स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे वीपी मार्केटिंग। और आज हम बात करेंगे वैल्यू प्रपोजिशन के बारे में। वैल्यू प्रपोजिशन टू वर्ड से बना है, वैल्यू और प्रपोज। आप कस्टमर को वैल्यू प्रपोज करते हो, आप कस्टमर को वैल्यू बताते हो कि मेरा प्रोडक्ट कस्टमर को क्यों बाय करना चाहिए, मेरे प्रोडक्ट से कस्टमर का क्या प्रॉफिट होगा, क्या बेनिफिट होगा, कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, मेरा प्रोडक्ट परचेस करने के बाद कस्टमर को कॉम्पिटिटर से एडवांटेज कैसे प्राप्त होगा, मेरे प्रोडक्ट में कॉम्पिटिटर से क्या क्या चीज़ें ज़्यादा है, मेरा प्रोडक्ट कैसा बेस्ट सुटेबल है कस्टमर को, ये सब वैल्यू बेनिफिट्स कस्टमर को कम समय में, कम शब्दों में, अच्छी तरीके से, सिंपल वे में बताना, उसको बोलते हैं वैल्यू प्रपोजिशन। जैसे टैगलाइन होता है, स्लोगन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वैल्यू प्रपोजिशन क्या है? वैल्यू प्रपोजिशन मतलब आप कस्टमर को कुछ इन्फॉर्मेशन देते हो, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हो, सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन देते हो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप देते हो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यू आपके कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बताते हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट आपके प्रोडक्ट का बताते हो। तो उसमें क्या होता है, आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने वाले हो, हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, आप कौन से बेनिफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो, कस्टमर कौन से बेनिफिट एक्सपेक्ट कर सकता है, आप कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट में कौन सी चीज़ मिस कर रहे हो, कॉम्पिटिटर्स के पास कौन सी चीज़ें नहीं है जो हमारे प्रोडक्ट्स में है, आप अपने प्रोस्पेक्ट को क्या ऑफर कर रहे हो, जो कि नया कस्टमर जुड़ने वाला है, अभी तक उसने कोई प्रोडक्ट परचेस नहीं किया, उसको हम क्या ऑफर कर रहे हैं, आप क्या प्रॉमिस कर रहे हो, कौन सा वैल्यू प्रॉमिस कर रहे हो, कौन सा बेनिफिट प्रॉमिस कर रहे हो कस्टमर को जो कि डिलीवर हो जाएगा प्रोडक्ट परचेस करने के बाद। आप वैल्यू प्रोपोजिशन के थ्रू आपका ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बता रहे हो, आप ये बता रहे हो कि आप किस चीज के लिए स्टैंड हो, आप क्या करते हो, आपकी प्रोफिशिएंसी क्या है, आपकी स्पेशलिटी क्या है, आप ऑपरेट कैसे करते हो, आप क्या डिजर्व करते हो। ठीक है, वैल्यू प्रपोजिशन एक स्टेटमेंट होता है जिसमें कस्टमर को बेनिफिट कैसे होगा, क्या होगा, इसके बारे में लिखा जाता है। वैल्यू प्रपोजिशन में समराइजेशन होता है आपके जो भी बेनिफिट्स है, जो भी ऑफर्स है, जो भी प्रॉमिस है, जो भी एडवांटेजेस है, उसके बारे में समरी होता है। वैल्यू प्रपोजिशन में हम ये बताते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसे कस्टमर को बेस्ट सुटेबल प्रोडक्ट है और कंप्यूटर के प्रोडक्ट उतने अच्छे नहीं है। आप कस्टमर को वैल्यू प्रपोजिशन में ये बताते हो कि आपका प्रोडक्ट नंबर वन है और किस रीजन के लिए वो नंबर है, किस रीजन के लिए आपका प्रोडक्ट बेस्ट है और आपका प्रोडक्ट बेस्ट है। ये जो वैल्यू प्रपोजिशन है वो आप डायरेक्टली बता सकते हो, वेबसाइट के थ्रू बता सकते हो और एडवर्टीजमेंट के थ्रू बता सकते हो, और जो प्रॉस्पेक्ट है उनको आप बायर में कन्वर्ट कर सकते हो। वैल्यू प्रपोजिशन का हेल्प क्या यूज क्या है कि आप प्रॉस्पेक्ट्स को वैल्यू प्रपोजिशन बता के बाहर में कन्वर्ट कर सकते हो। अल्सो इसके लिए आपको जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, इकोनॉमिक एडवांटेज कस्टमर को क्या है, कस्टमर को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, क्या एक्स्ट्रा मिलेगा कॉम्पिटिटर से ज्यादा, और कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट में क्या मिसिंग है, क्या लैकिंग है, वो भी ये बताता है। वैल्यू प्रपोजिशन स्टेटमेंट जो होते हैं वो डिस्प्ले की जाते हैं प्रोमिनेंटली, वो उनको दिखाया जाता है, उनको एडवर्टाइज किया जाता है, उसको प्रोमिनेंटली दिखाया जाता है वेबसाइट पे या दूसरी जगहों पे जहाँ पे लोगों ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करते हैं, जहाँ पे लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अपनी ओर खींचा जा सकता है। वैल्यू प्रपोजिशन एक हेडलाइन होता है, वो एक फ्रेज हो सकता है, वो एक टैगलाइन हो सकता है, एक कैची स्लोगन हो सकता है। वैल्यू प्रपोजिशन कस्टमर के माइंड में ये बिठाने के लिए होता है कि हमारा प्रोडक्ट सुपीरियर है, हमारा प्रोडक्ट क्यों सुपीरियर है, ये कस्टमर के माइंड में बिठाने के लिए वैल्यू प्रपोजिशन यूज करते हैं। वैल्यू प्रपोजिशन एक हेडलाइन होता है, एक सेंटेंस होता है, उसके नीचे आप दो तीन लाइन सब हेडिंग्स के लिख सकते हो। वैल्यू प्रपोजिशन अपना वो मैसेज है जो कि कस्टमर के साथ अच्छे से रेजोनेट करता है। वैल्यू प्रपोजिशन अपना वो मैसेज है जो कस्टमर के साथ अच्छे से रेजोनेट करता है। जैसे मैगी है, बस टू मिनट्स में मैगी बनता है, इतना फास्ट बनता है, बहुत जल्दी बनता है और बहुत अच्छे से आपको नरिश कर सकता है, आपको फूड प्रोवाइड कर सकता है। या फिर कोको कोला, ठंडा मतलब कोको कोला,
तो जब भी आपको कोल्ड ड्रिंक पीना है तो सबसे ठंडा जो होगा वो कोको कोला होगा। देन थम्सअप, तूफानी ठंडा, मतलब स्ट्रांग है बहुत। तो स्ट्रांग कोल्ड ड्रिंक आपको पीना है तो आप थम्सअप पियोगे। ऐसे ही अगर आप दूसरे प्रोडक्ट के बारे में सोचोगे तो जो पल्सर है वो डेफिनेटली मेल है। क्या? क्योंकि ये बॉयज़ के लिए और मेल के लिए गाड़ी बना है, डेफिनेटली मेल इसका एडवर्टीजमेंट। आप पल्सर देखोगे तो वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, तो ये गाड़ी गर्ल्स के लिए बना है। तो ऐसे ऐसे एक स्टेटमेंट में उसके बारे में वैल्यू बताया जाता है। जैसे लक्स सोप है, लक्स सोप में ये बताया गया था कि सितारों का साबुन, सेलिब्रिटीज का साबुन, तो सेलिब्रिटी उसको यूज करते हुए एडवर्टीजमेंट में दिखाए गए हैं। और सेलिब्रिट की स्किन के जैसे आपकी स्किन ग्लो हो जाएगी, ये भी उसके बताया जाए। पार्ले का है, स्वाद भरे सच्ची शक्ति भरे, मतलब आप पार्ले खाओगे तो आपको इमिजिएटली ग्लूकोज मिलेगा, आप इमिजिएटली एनर्जी मिलेगा। वैसे ही लाइफ बॉय का है, लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है, मतलब जहाँ पे वेर एवर इज लाइफ बॉय देर इज हेल्थ। सो दीज आर दी मैसेजेस विच रेजोनेट विद द कस्टमर। तो आपको ऐसा मैसेज ढूंढना है जो कि कस्टमर के साथ बेस्ट रेजोनेट, अच्छे से रेजोनेट होता हो, इसके बोलते हैं वैल्यू प्रपोजिशन। वैल्यू प्रपोजिशन का एक स्पेसिफिक रिजल्ट आना चाहिए, नहीं तो वो वैल्यू प्रपोजिशन कुछ काम कर नहीं है। वैल्यू प्रपोजिशन एक रिजल्ट अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करता है, सेल इंक्रीज होता है वैल्यू प्रपोजिशन से। वैल्यू प्रपोजिशन शॉर्ट टाइम में बहुत सारी इंफॉर्मेशन लोगों को कन्वे करता है, और वैल्यूएबल थिंग्स, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लोगों को कम्युनिकेट करता है। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग वैल्यू प्रपोजिशन इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग सो मेनी सच वीडियो, सो यू विल गेट अपडेटेड। थैंक यू सर सो मच वंस अगेन।